गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो भी लेक्चर हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने देखा बैंड थियरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी देखा, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया, किस तरीके से आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी की सहायता से मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं ये हम लोगों ने देखा, कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख सकते हैं इस चीज को देखा हम लोगों ने, फिर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं उसको देखा। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम उससे की सहायता से क्या क्या चीजों को निकाल सकते हैं, जैसे स्टेबिलिटी बता सकते हैं, मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, बॉन्ड लेंथ के बारे में बता सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा मॉलिक्यूल का, मतलब कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा, साथ ही साथ मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में भी जाना कि आपका मॉलिक्यूल जो होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, मॉलिक्यूल जो है ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, इन सब बातों को देखा गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसकी कॉन्फिग्रेशन को लेकर के है, मतलब कि दो तरह के कॉन्फिग्रेशन हैं और दोनों तरह के कॉन्फिग्रेशन को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये सभी लोग इसको याद कर लेंगे कि कॉन्फिग्रेशन जब 1 to 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है तो उस समय कॉन्फिग्रेशन क्या है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 हो जा रही है तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगा। तो इसके अलावा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को देखा गया। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपका HF है, एग्जाम में भी कई बार पूछा है तो उसे भी आप मैंने आपको कल बताया है। तो अब जो इसमें अगला टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, अब हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बैंड थियरी। बैंड थियरी, ये बैंड थियरी को देखेंगे। एक्चुअली बैंड थियरी में देखने क्या जा रहे हैं पहले ये समझ लेते हैं। एक्चुअली हम क्या करते थे, जब कभी भी हमें कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर इनको डिफाइन करना होता था तो हम क्या करते थे, हम नॉर्मली जो है बैंड गैप की सहायता से डिफाइन करते थे। और कैसे हम बनाते थे बैंड गैप की सहायता से कैसे करते थे, तो हम क्या करते थे इस तरीके के डायग्राम की सहायता से, आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग इस तरह के डायग्राम की सहायता से क्या करते थे कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को डिफाइन करते थे, और हम ये कहते थे कि ये जो है ये एनर्जी को बता रहा है ऐसा, और ये क्या है ये बैंड गैप कहते थे ऐसा, और इसे हम कहते थे ये आपका क्या है भाई कंडक्शन बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा कौन सा बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ऐसा लिखा करते थे। अब एक्चुअली बैंड थ्योरी में क्या पढ़ने जा रहे हैं, बैंड थ्योरी में हम इस तरह के बॉक्स बनाते हैं कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर को डिफाइन करने के लिए। इस बैंड थ्योरी में हम ये देखेंगे कि वास्तव में ये जो फिगर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, साथ ही साथ ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो क्या है, ये लाइन क्या है भाई, साथ ही साथ ये जो एनर्जी गैप है ये कहां से आ रहा है, ये एनर्जी कहां से आ जा रही है, एनर्जी गैप कहां से आ रहा है भाई, ऐसा हम ये जो लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइनें कौन सी हैं, ये क्या है भाई,
ये क्या चीजें हैं। तो इन सभी के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलने वाली है, वो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस बैंड थ्योरी से। यानी बैंड थ्योरी क्या बताएगा, बैंड थ्योरी आपको ये बताएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी मेटल है, उस मेटल के अंदर कैसे वैलेंस बैंड बनते हैं और कैसे कंडक्शन बैंड बनते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। हम जब बनाते हैं तो इस तरह के डायग्राम क्यों बनाते हैं, इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलने वाला है, इन सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है इस बैंड थ्योरी से। तो बैंड थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं हमें, तो देखते हैं कि क्या है कैसे है। एक्चुअली जो बैंड थ्योरी है ये बेस्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। ये बेस्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करिए, एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, सपोज करिए लिथियम का मॉलिक्यूल हमारे पास है ऐसा, और इस लिथियम के मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मान लीजिए ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिथियम एटम को देख लेते हैं, हमें आसानी हो जाती है। लिथियम एटम की बात करें तो 1s2 एंड 2s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है लिथियम एटम का। ओके, दो एटम है लिथियम के इस मॉलिक्यूल में, तो इसका मतलब है अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो जब देखिए यहाँ पे कैसे हम ड्रॉ करेंगे, हम इस ऑर्बिटल को नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली जब कभी भी कंडक्शन की बात आती है तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को ही क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं। तो एक्चुअली हम 1s2 ऑर्बिटल नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम सीधे सीधे 2s ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, तो सपोज करिए एक लिथियम एटम यहां आपने बनाया ऐसे, और एक लिथियम एटम आपने यहां लिया ऐसे। 2s ऑर्बिटल लेना है तो 2s ऑर्बिटल देखिए कैसे लिया जा रहा है। सपोज करिए ये क्या है भाई, 2s ऑर्बिटल है एक लिथियम का, और ये क्या है, ये 2s ऑर्बिटल जो है ये दूसरे लिथियम का है। इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां बनाया, एक यहां बनाया, कॉम्बिनेशन जान रहे हैं हम लोग हैं। कॉम्बिनेशन अगर होगा तो कैसा होना चाहिए, कॉम्बिनेशन अगर होगा तो देखिए कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, और दो नए ऑर्बिटल बनने चाहिए। कॉम्बिनेशन 2s का है तो जो ऑर्बिटल होगा सिग्मा 2s होगा, और ये ऑर्बिटल होगा सिग्मा स्टार 2s का। अच्छा, एक और एक दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब आप करोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो 1 and 2 हो गया। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो लिथियम का है उसके लिए हमने क्या बनाया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा क्या चेंज होने वाला है, बहुत थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। क्या हम चेंज करने वाले हैं इस बात को देखिए, ये जो 2s ऑर्बिटल हमने दूसरे साइड बनाया था, इस ऑर्बिटल को भी मैं इस साइड बनाऊंगा ऐसा। देखिए कैसे, मैं क्या करने जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल यहां से मैं कट कर रहा हूं, ये कट हुआ यहां से, और इसको यहां से लिया और यहां पर पेस्ट कर रहा हूं। देखिए कैसे कर रहा हूं कट पेस्ट, देखिए यहां से इसको मैंने यहां से हटाया, ये ऑर्बिटल यहां से हटा ऐसे, और देखिए इस ऑर्बिटल को मैं क्या कर रहा हूं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम चीज लिख रहा हूं, देखिए ऐसे, कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा, कोई दिक्कत होना चाहिए। बस यहां का जो 2s ऑर्बिटल है, इस 2s ऑर्बिटल को यहां से लेकर के मैंने यहां पे लगा दिया। ये भी लिथियम का ही है, बिल्कुल ये भी लिथियम का 2s ऑर्बिटल ही है ऐसा। अच्छा देखें,
ये जो ऑर्बिटल आप ऐसे राउंड अप करके बनाते थे, ये हम लोग बना रहे थे, ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जानने लगे हैं, तो ऑर्बिटल को अब ऐसे नहीं कर रहे हैं, ऑर्बिटल को हटाई दे रहे हैं, ये नहीं है ऑर्बिटल का कोई काम नहीं है, समझने लगे हैं चीज़ों को। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इधर देखिए, ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑर्बिटल वही है। ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई, सिग्मा 2s है, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये खाली ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार 2s, ऐसा। अच्छा नाम जानते थे हम, नाम क्या जानते थे, ये ऑर्बिटल जो हमारा है ये है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल कौन सा है भाई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा। तो कुछ नहीं किया गया है, सारा फिगर वैसे ही है, बस हमने यहाँ पे जो ऐसे राउंड अप करके आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बनाते थे वो हमने हटा दिया है, और सीधा सीधा हमने क्या किया भाई, ऐसे लाइनिंग कर दिया है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐसे राउंड अप करके बनाते थे, एक ऑर्बिटल दिखाते थे, बस वो हमने हटा दिया है ऐसा, और कोई चेंज हमने नहीं किया है। तो ये तो बात है, जब हमारे पास क्या है, लिथियम का आपके पास मॉलिक्यूल है Li2 है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई Li2 की जगह Li3 हो, देखते हैं। देखिए अगर कंडीशन Li3 की हो जाए, यानी इस मॉलिक्यूल में एटम की संख्या कितनी है, 3 एटम है, तो तीनों एटम को हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, यानी देखिए 1 2 3, यानी ये दो तीनों हैं 2s ऑर्बिटल, तीन अलग अलग लिथियम के, ऐसा तीनों का कॉम्बिनेशन होना है, तीन नए ऑर्बिटल बनने चाहिए ऐसा। लेकिन इन तीनों में से कैसे ऑर्बिटल बनेंगे, देखिए यहां देखिए, दो का तो कॉम्बिनेशन होगा लेकिन एक ऑर्बिटल जो होगा उसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा ऐसा। तो ये ऑर्बिटल आपका होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा, ये आप जानते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो ऑर्बिटल है इसका नाम हम पहले भी लिखते आए हैं, इसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2s1 की कंडीशन होती है, तो 2s1 की कंडीशन होगी इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, 1 2 एंड 1 ऐसा, इस तरीके से हम कर सकते हैं Li3 के लिए बना सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये तो Li3 की बात है, सपोज करिए एक एटम और ऐड कर दिया गया ऐसा, कंडीशन क्या हुई भाई, Li4 हुई। अगर Li4 हो जा रही है तो भी डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं भाई, 4 एटम कर लो और क्या करोगे, यही तो हो सकता है। ये सारे के सारे 2s ऑर्बिटल है, 4 अलग अलग लिथियम एटम की 2s ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और इसमें भी एक है ऐसा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनने चाहिए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए 4 की संख्या में है, तो यानी 2 जो होंगे वो क्या होंगे, बॉन्डिंग होंगे, और 2 जो होंगे वो कैसे होंगे भाई, एंटी बॉन्डिंग होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है, तो 1 2 3 4, यानी ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और ये आपका हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा। हम क्या कर रहे हैं, हम देखिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और हर एक स्टेप में क्या कर रहे हैं, एक एटम को ऐड करके बता रहे हैं कि अगर एक एटम और ऐड कर दिया जाए तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो कैसे चेंज हो रहा है। हमने क्या किया देखिए, यहाँ पे हमने Li2 से स्टार्ट किया है, Li2 लिथियम का मॉलिक्यूल है, 2 एटम का सिस्टम है, तो 2 एटम के लिए हमने क्या किया है, एक लिथियम के लिए 2s ऑर्बिटल को लिया है और दूसरे और भी लिथियम एटम के लिए 2s ऑर्बिटल को लिया है, इनके कॉम्बिनेशन से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए ऐसा। तो देखिए एक जो बनेगा वो बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जो दूसरा बनेगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे ऐसा।
अब हमने क्या किया था अगले स्टेप में, हमने यहां पर एक एटम और इंक्रीज किया, बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, यानी अब जो है एटम की संख्या 3 हो गई है। तो देखिए हमने लिखा Li3, अब 3 एटम है, इनका कॉम्बिनेशन करना है, तो 2 एटम ही आपस में कंबाइंड करेंगे, भाई तीसरा किससे कंबाइंड करेगा, नहीं करेगा, यानी जो तीसरा आपका एटम होगा वो एज सच नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाएगा, ओके। और 2 जो आपस में कंबाइंड करेंगे वो उनमें से एक बनेगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें से एक बनेगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक जो बनेगा वो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आपके 2s ऑर्बिटल कंबाइंड कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे, और एक ऑर्बिटल जो नॉन बॉन्डिंग है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहां होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, एक एटम और ऐड कर दिया है, यानी अब एटम की संख्या कितनी हो गई है, अब एटम की संख्या हो गई है 4। तो अगर 4 एटम का सिस्टम होगा तो हर एक एटम के साथ 2s ऑर्बिटल एसोसिएटेड होगा, तो हमने ये 4 अलग अलग 2s ऑर्बिटल को लिखा है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे, 4 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं। 4 में से हमेशा हाफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हाफ क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे फिलअप किए जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसा। तो ये हमने देखा। अच्छा अब भाई मेटल है तो उसमें क्या है भाई, हजारों लाखों की संख्या में है एटम, तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पर अब क्या लेने जा रहे हैं, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेने जा रहे हैं, देखिए क्या लेने जा रहे हैं, सपोज अब करने जा रहे हैं कि भाई लिथियम में एटम की संख्या अब n है, ऐसा n नंबर में क्या है भाई, लिथियम में एटम की संख्या है, तो यानी इसमें क्या होगा, n नंबर में 2s ऑर्बिटल भी तो होगा, ये बात क्लियर है ना, अगर n नंबर में लिथियम एटम है तो n नंबर में ही क्या होगा, 2s ऑर्बिटल भी होगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए हम लोग कैसे बना सकते हैं, सपोज करिए भाई ये 2s ऑर्बिटल है, एक दूसरा तीसरा चौथा, और ऐसे करके क्या होगा भाई, n नंबर में होना चाहिए, ऐसे n नंबर में क्या होना चाहिए, 2s ऑर्बिटल होना चाहिए, तो ये सब 2s ऑर्बिटल्स हैं अप टू n तक, यानी अगर हम लिख दें भाई 1 2 3 4 कहां तक, अप टू n, ऐसा लिथियम का है तो जाहिर सी बात है सब 2s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होगा, तो सभी 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन करिए, ऐसा कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो देखिए अगर 2 ऑर्बिटल कंबाइंड करते हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करते हैं, तो उसमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यानी हाफ को, हाफ जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाफ जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अब इसकी जगह हमने n कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर भाई आप n नंबर में लोगे तो n बाई 2 हाफ, n by 2 क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और साथ ही साथ n by 2 क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना चाहिए। तो अगर हमने n की कंडीशन ले रखी है तो ये आपको फॉलो करना होगा, कैसे करेंगे देखिए, अब इससे बनने वाले, अब चूंकि n नंबर में है तो जो नए बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये काफी क्लोज आ जाएंगे, देखिए कुछ ऐसे बना सकते हैं,
इस तरीके से हम बना सकते हैं। यो तो इसका मतलब है कि ये जो है ये n बाई टू बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, और ये जो आप देख रहे हैं ये n बाई टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है ऐसा। और हम शुरू से देख रहे हैं ये एनर्जी के टर्म में हम बनाते हैं, और ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, ऐसे आप जाएंगे तब भी एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम होगा, ऐसे जाएंगे तब भी होगा, और यहां पर भी जो डायग्राम बन रहा है वो भी ऐसे ही बन रहा है ऐसे। अभी तक देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहे हैं। ऐसे अगर एन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आने चाहिए, ये आने चाहिए आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही आएंगे, यानी आपका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो फुलफिल्ड होगा ऐसा। सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, क्लियर है? तो ये बात हमको समझ में आ गई है कि अगर n नंबर में किसी भी मेटल को कंसीडर किया जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जाएगा, तो उस कंडीशन में हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसको कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को उसमें व्यवस्थित कर सकते हैं, तो ये बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए भाई, ये भी तो एनर्जी ही है, ये एनर्जी है, बिल्कुल एनर्जी है। तो अब देखिए, जब कभी भी हमें डिफाइन करना होता था कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, तो वहां पर जो हम बैंड बनाते थे वो कहां से आते थे, उसको जानने के लिए देखिए ये जो आप डायग्राम बना रहे हैं, अब इसी डायग्राम में क्या करिए, इस पोर्शन को जरा हटा के देखते हैं। देखिए देखिए ये देखिए ये, अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि वास्तव में यहां पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसी ऑर्बिटल को हम क्या कहते थे, उसी ऑर्बिटल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, वैलेंस बैंड ऐसा। और ये जो आपका है जिसे आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं, उसमें जो बैंड्स बन रही है, जो लाइनिंग आप देखो बैंड है, और इसी को हम अब क्या कहते हैं, इसी को हम अब कहते हैं भाई क्या चीज, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड ऐसा। और देखिए एनर्जी था, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब ये एनर्जी डिफरेंस आपको जो दिखाई दे रहा है वास्तव में यही एनर्जी डिफरेंस किस नाम से जाना जाता है, इसी को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप ऐसा। तो अब हमको बातें समझ में आ रही हैं कि हम जो डायग्राम पहले बनाया करते थे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, वास्तव में वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते थे, और ये जो है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि वास्तव में किस तरीके से बैंड का फॉर्मेशन होता है, वैलेंस बैंड कैसे बनता है और कंडक्शन बैंड कैसे बनता है, और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर को हम डिफाइन करते हैं। तो आसान सी बात है, हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, हमने स्टार्टिंग जो किया था Li2 से किया था, Li2 के बाद हम किसको देखें, हमने Li3 को देखा, Li3 के बाद हमने Li4 को देखा, और Li4 के बाद हमने LiN, जब N नंबर में एटम होंगे उसको देखा। ओके, अलग अलग डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास किया है कि किस किस तरीके से हम जो है इसके डायग्राम को बना सकते हैं। अगर पहले डायग्राम में देखेंगे तो हमने क्या बनाया, हमने एक सिग्मा 2s ऑर्बिटल और एक सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल को बनाया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ही जब Li3 की कंडीशन थी तो हमने फिर क्या किया, हमने तीन नए ऑर्बिटल को बनाया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वहां पे इलेक्ट्रॉन को फिल करके दिखाया। अगर Li4 की कंडीशन है, फोर एटॉमिक ऑर्बिटल को बनाया और उसमें से हाफ जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखिए दो बनाया मैंने और फिर दो क्या किया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाया,
और फिर इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करने की बात आई है तो 1 2 3 4 फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 ऐसा फिल अप किया। अब अगर एल आई एन की बात आ रही है तो हमने एन नंबर में क्या लिया है, एन नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है, और एन नंबर में अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है तो जाहिर सी बात है एन बाई टू हाफ, एन बाई टू नंबर में क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और एन बाई टू नंबर में क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब हमने फिर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किया है, हम देख रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं, तो हमने यहाँ पर बनाया, और जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या है, वैकेंट है, खाली है। ओके, अब हम ये बता रहे हैं कि वास्तव में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इन्हीं को हम वैलेंस बैंड कहते हैं, ये जो लाइनिंग जो बैंड बनते हैं इसके नाम से हम इसको बैंड कहते हैं, तो ये वैलेंस बैंड है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे आप कहते थे, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यही वास्तव में कंडक्शन बैंड है ऐसा। अब इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की सहायता से हम डिफाइन करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर को, और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि वास्तव में जो एनर्जी गैप आता है कहाँ से आता है, तो जो भी डायग्राम हम बनाते हैं वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में बनाते हैं, तो एनर्जी तो हम पहले से लेके रखे हुए हैं, वो एनर्जी ही यहाँ पर आपको दिखाई देती है बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप के फॉर्म में। तो ये बातें हम लोगों ने सीखा यहाँ पर, तो ये सब कुछ हम किस में जानते हैं, ये सारी बातें बैंड थ्योरी में हैं, बैंड थ्योरी में इन सभी चीज़ों की स्टडी की जाती है, कैसे वैलेंस बैंड बनता है, कैसे कंडक्शन बैंड बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी बातें हम किस में देखते हैं, बैंड थ्योरी में देखते हैं। अब जो है इसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसी के बेसिस पर हम जो है कंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, इंसुलेटर को डिफाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंसुलेटर को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, बैंड गैप, यानी बैंड गैप ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा कि बैंड गैप कितना है। कंडक्टर को डिफाइन कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि वैलेंस बैंड फुलफिल्ड है, और क्या होगा, कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैपिंग की कंडीशन में होगा ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इजिली क्या होते हैं, इजिली मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में वो फ्रीली मूव करते हैं, जिसके नाते आपको जो कंडक्टर का बिहेवियर है वो आपको दिखाई देता है कि भाई वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ऐसी जब हम बात करेंगे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में जो बैंड गैप है वो काफी ज्यादा होगा, एनर्जी देने के बाद भी इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकता है, तो ऐसी कंडीशंस में कंडक्शन बैंड जो है खाली है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ही कैरियर है चार्ज के, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है इसका मतलब है कि ये कंडक्टिविटी को शो नहीं करेगा। और ऐसे ही सेमीकंडक्टर में बैंड गैप कम होता है ऐसा, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, अगर आप हीट प्रोवाइड करें या आप डोपिंग कर दें तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली जंप कर जाता है किसमें, आपके कंडक्शन बैंड में, और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि कंडक्टिविटी जो है वो आपका सेमी कंडक्टर शो करेगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने का जो लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बारे में जानेंगे, तो इस चीज़ को आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि हम कैसे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर को देख सकते हैं।